14 अगस्त आ रही है, समझ नहीं आ रहा शॉपिंग कहाँ से शुरू करूं। शॉपिंग महंगाई इतनी है, शॉपिंग पर तो बिल्कुल हाथ ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं हम शॉपिंग करें, हम अपनी जरूरियात पूरी करें, या इन इनके टैक्सेस, बिला वजह के टैक्सेस दें, बिजली के बिल पे टैक्सेस, सांस लेने पे टैक्सेस, हर चीज पे टैक्सेस हैं। बहरहाल अपने बच्चों को तो शॉपिंग जरूर करवाऊंगी। देखिए देखिए मम्मा, मैंने 14 अगस्त की तैयारी कर ली, पाकिस्तान बना था ना, आज इतनी बड़ी फौज चाहिए होगी कायदाजम को बनाने के लिए पाकिस्तान को। अरे पागल, उस वक्त तो फौज थी नहीं है, फौज थी पता नहीं। माज मम्मा कब तक आएंगी? क्या चल रहा है, क्या चल बातें रहा है बच्चों, क्या और क्या मम्मा, अगर बातें चल रही हैं? कायदे आजम ने क्या फौज ली थी या नहीं ली थी पाकिस्तान को बनाने के लिए? अच्छा, तो 14 अगस्त आ रही है और ये सब क्वेश्चंस चल रहे हैं जी मेरे बच्चों। कायदे आजम ने फौज की मदद से पाकिस्तान नहीं बनाया था, बल्कि अपनी काबिलियत और जरूरतमंदी से बनाया था, और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बनाया था, और मुसलमानों के साथ मिलकर बनाया था, अवाम की ताकत के साथ मिलकर पाकिस्तान बना था। 10,000 खवातीन की इज्जतें लूटी गईं तो पाकिस्तान बना। जी हाँ, तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई तो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के अंदर खून शामिल है मुसलमानों का, लोगों ने अपने घर छोड़े, लोगों ने अपनी जायदादें छोड़ी, इस तरह बना था पाकिस्तान। समझ आई आज आप लोगों को? ये जी हम सबकी कुर्बानियों से बना है, हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियों से बना है पाकिस्तान। मम्मा, पाकिस्तान की मिट्टी में हमारा खून शामिल है। ओके। इतनी समझ आई अब आपको? आसानी से लूट लिया हमारे पाकिस्तान को, ऐसे फ्री का मालो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको क्लिप पसंद आया होगा। क्लिप बहुत छोटा था क्योंकि बच्चे छोटे हैं, और उन्हीं के इश्तराक से मेरी छोटी सी काविश थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो का मकसद ये था कि 10,000 खवातीन की इज्जतें लूटी गई तो पाकिस्तान बना, लाखों लोगों ने अपने जानों माल का नजराना पेश किया तो पाकिस्तान बना। दुनिया में सबसे बड़ी जो हिजरत हुई वो उस वक्त हुई जब पाकिस्तान बना। इतनी कुर्बानियों के बाद जब पाकिस्तान बना, तो खुदा रा इसके नजरिए को भी समझिए। इसका नजरिया क्या था? इसका नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल चैनल अल्लाह। को लाइक सब्सक्राइब शेयर और नीचे बटन पे क्लिक करो। इसका नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह था। ये मुल्क जमहूरियत के लिए या हुक्मरानों के अलल्ले तलल्ले के लिए नहीं बना, बल्कि खुदा के कानून राज करने के लिए बना है। ये किसी की अय्याशियों के लिए नहीं बना, ना मुफ्त में बना है कि इसे लूट खाया जाए। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और अपने मुल्क की हिफाजत करें। हमारे प्यारे हमें मुल्क देकर चले गए हैं, इसकी हिफाजत करना हमारा काम है। आए अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इन जिम्मेदारियों पर इम्प्लीमेंट करें, अमल दरामद भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।